देश की संसद के सबसे बुजुर्ग सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को आज सुपुर्द खाक किया जा रहा है। उनकी नमाज जनाजा में हज़ारों लोगों की तादाद में लोग शामिल हुए, बड़े नेता और सभी दलों के नेता हों या धर्मगुरु हों वो शामिल हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी उनका जनाजा जो है नमाज जनाजे के बाद कब्रिस्तान पर लाया गया है और यहाँ जो ये हसनपुर रोड है पूरा भरा हुआ है। संभल की सड़कों पर आज जिधर भी देखो जनसैलाब है अपने महबूब नेता को आखिरी विदाई देने के लिए, उनके आखिरी दर्शन करने के लिए। संभल के लोग और आसपास के ज़िलों के लोग जो हैं वो संभल की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि पीछे की तरफ से भी लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो अपने जो सांसद हैं संभल के शफीकुर रहमान बर्क उनको रुख्सत करने के लिए, उनको सुपुर्द खाक करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी नमाज़े जनाजा हुआ है और उनको कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लाया गया है। यहाँ पर तमाम पार्टियों के नेता शामिल हुए हैं और कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संयोजक हैं डॉक्टर साहब, ये बताइए आज डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो है गुजर गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर बर्क साहब संभल की पहचान थी देश और दुनिया में और भारतीय संसद में 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, उसके बाद फिर 15वीं और 17वीं लोकसभा के सांसद रहे और संभल के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनके द्वारा उनका व्यक्तित्व कृतित्व जो था वो सदैव पब्लिक के बीच में उनकी एक अपनी एक्सेप्टेबिलिटी थी और हम लोगों से भी मिला करते थे, भाई पुराने बुजुर्गों के ताल्लुक थे कि भाई तुम सब लोग जनसंघी हो, उन पर मेरे अपने हो, बैठो। देखिए दल अलग अलग थे लेकिन दिल जो था वो मिला हुआ था। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को संभल के लोग हों या मुरादाबाद के लोग हों वो सदैव याद रखेंगे क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, 5 बार के सांसद थे और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को अपनी पहली लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखा था। उनका टिकट घोषित हो गया था लेकिन पिछले 1 महीने से वो मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, उनकी तबीयत ख़राब थी और कल सुबह लगभग 9:30-10 बजे के आसपास उन्होंने आखिरी सांस मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में ली थी और आज उनका जो नमाज जनाजा है वो हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या किसी भी दल के नेता हों, तमाम नेता, तमाम धर्मों के लोग जो है वो आए हुए हैं और अपने महबूब नेता को रुख्सत कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।